सुदर्शन न्यूज ने हाल ही में दिल्ली के जहांगीरपुरी में जिहादियों का हमला बताते हुए ये वीडियो चलाया। तो देखिए ये तस्वीर आपके साथ लगातार साझा कर रहे हैं, ये वीडियो आपके साथ वो साझा कर रहे हैं जो कि अब सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है और हिंदू मंदिर पर पथराव किया गया। ध्यान दें कि सुदर्शन न्यूज जो कि एक राइट विंग प्रोपेगेंडा आउटलेट है, अक्सर गलत और भ्रामक कम्युनल दावे शेयर करता रहता है। सुदर्शन न्यूज से जुड़े सागर कुमार ने भी इस घटना में आरोपियों को जिहादी बताया। देखते ही देखते कई राइट विंग अकाउंट्स ने ऐसे ही क्लेम के साथ घटना के फुटेज शेयर किए। हालांकि छानबीन करते हुए हमें मालूम हुआ कि इस घटना में कोई कम्युनल एंगल नहीं है। छपी मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि ये घटना 4 नवंबर को दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई थी। दो ग्रुप्स के बीच लड़ाई हुई थी जिसके कारण ये पथराव हुआ था। उत्तर पश्चिमी दिल्ली के डीसीपी अभिषेक धानिया ने इस पूरी घटना के बारे में ये कहा था। इस पर तुरंत महिंद्रा पार्क की टीम मौके पर पहुंचती है और वहां पर वेरिफिकेशन करती है, जिसमें ये पता लगता है कि दो ग्रुप्स जो कि सेम रिलीजन को बिलोंग करते हैं, इनफैक्ट सेम कम्युनिटी के हैं और जिसमें ज्यादातर सभी जुवेनाइल्स हैं, वो आपस में झगड़ा कर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने पत्थरबाजी करी। पत्थरबाजी करते करते कुछ उसमें से एक ग्रुप है जो मंदिर की परिसर के अंदर आ जाता है और वहां से पथराव करता है। इनका पहले भी आपस में झगड़ा रहा है। इसमें से तकरीबन तीन ऐसे जुवेनाइल्स हैं जो सीसीएल है, जिनके अगेंस्ट पहले भी एफआईआर हुई है और इसी रंजिश में इन्होंने कल आपस में झगड़ा किया और झगड़े में पथराव किया। इसके साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इस इवेंट को कुछ लोगों ने जो है कम्युनल जो हमारी हार्मनी है उसको डिस्टर्ब करने का काम किया है। इसमें कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम के तहत, खासकर ट्विटर के तहत, इस पूरे एपिसोड को एक गलत नजरिए से प्रोजेक्ट किया और इसमें ये दिखाया गया कि जिहादियों ने हमला कर दिया है, मंदिर पे हमला हो रहा है। इस तरह की कोई बात नहीं है, ये सभी बातें फेक हैं, ये बेबुनियाद हैं, इनमें कोई भी तथ्य नहीं है। यानी इस घटना में कोई कम्युनल एंगल नहीं है, ये दो गुटों के बीच हुई लड़ाई का वीडियो है जिसमें ज्यादातर युवा लड़के शामिल थे जो कि एक ही समुदाय के थे।